हेलो टॉरस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ये प्रेडिक्शन है आपकी नवंबर मंथ के लिए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपनी मून साइन से, सन साइन से, जो भी राशि से आप कनेक्ट होते हो उस राशि के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। टैरो में कोई भी ऐसे रूल्स नहीं होते। रेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ब्लॉग्स पर, ठीक है। अब हम देख लेते भैया नवंबर मंथ में कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन एंड लव लाइफ, एंड आगे डिवाइन गाइडेंस भी क्या आ रही है, ठीक है। हेल्थ, ओके। अच्छा, मैंने जब आपकी कार्ड शफल करी थी, मेरे को ना बहुत बार ये हैंडमैन दिखाई दिया, 3 बार। कार्ड भी वही है शफल होके। खास वजह इसकी बताती हूँ, क्या वजह है टॉरस, अभी क्या हमें कहानी दिखाई दे रही है। ओके, हेल्थ की पहले बात कर लेते हैं। हेल्थ में देखो सीन अब ऐसा चल रहा है, द डेविल के कार्ड आ गए हैं एंड ऑल्सो द हैंगमैन के कार्ड आ गए हैं। स्टक हो गए हो आप ना, हेल्थ में बहुत ध्यान देना है नवंबर मंथ में। बेवजह के स्ट्रेस आपने लेने नहीं। आपको लग रहा है कोई सिचुएशन में आप स्टक हो, अटके हुए हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सरेंडर कर दो और महा मृत्युंजय का जाप करना। जिस भी भगवान को आप मानते हो वो जाप आप लगाना, अपने घर में स्पिरिचुअल मंत्रास लगाओ, बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। एंड ना जहाँ पर भी आपको लग रहा है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको ना कोई भी हेल्थ सिचुएशन अगर है या आपको लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है, ये ना कुछ टॉरस वालों को बहुत लगेगा और उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। उनको लगेगा कि हम ना स्टक हो गए हैं, हमें ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारी लाइफ हमें समझ में नहीं आ पा रही है। देखो, इस प्रकार की अगर एनर्जीज आपको लग रही हैं, सो ये इस टाइम पर ना एक्सेप्टेंस और सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई ऊपर वाले जो तेरी मर्जी, जो तूने दिखाना है दिखा ले, बस मुझे हिम्मत दे दे, करेज दे दे कि मैं इस वक्त से गुजर सकूँ, ये मैं इस समय का सामना कर सकूँ। और भगवान का नाम आपने लेते रहना है, स्पिरिचुअल पावर या जो भी नेचर में जाकर कनेक्ट हो, सेल्फ हीलिंग और पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने करने ही करने हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ रिकमेंडेड है कि कभी भी आपको लगे ना कि भाई आप स्टक हो, सो एक्चुअली में ना आप स्टक नहीं होते हो, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छी सोच रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अच्छी डाइट, गुड हेल्थ। एंड हेल्थ जब मैं कह रही हूँ तो मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है और फिजिकल हेल्थ होती है। तीनों रूपों में आपने अपना ध्यान देना है। अपने कोई भी सिचुएशन, या कोई भी इंसान आपकी हेल्थ से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर कोई भी इंसान आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है ना, मेंटल इमोशनल, मतलब फिर वो उसके लिए वर्थ इट नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट उस समय के लिए तो वर्थ इट नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस अपनी जो भगवान ने सेहत बख्शी है, इसकी कद्र करें, इसकी वैल्यू करें, इसका ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं आपकी एजुकेशन की ओर, आपके पैसे की ओर, आपके धन की तरफ क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, पैसा अच्छा खासा आएगा, जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, मनी फ्लो रहेगा, डोंट वरी। ओके टॉरस, पैसा आएगा। अब देखो कुछ अगर एग्ज़ाम्स वगैरह आपने देने थे तो हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, फोकस आपको लगाना पड़ेगा एंड तभी आप वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी दैट कुछ सडनली आपके करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। सडनली आपको कहीं शायद से जॉब चेंज करनी पड़े, कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, सडनली कोई चेंजेस आ सकते हैं। सो अगर इस प्रकार के सडनली कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, सो डोंट वरी, वो चेंजेस आपके अच्छे के लिए ही माने जाएंगे, आपको सक्सेस भी देंगे एंड आपको आगे जाकर ये समझ लेना कि भाई जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है एंड वो वर्कआउट हो जाएगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। उसके अलावा मेरे को दिख तो रहा है कि जितनी भी आप मेहनत करो टॉरस, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। पैसे को लेकर कंफर्ट भी रहने वाला है, अपनी लाइफ को आप इंजॉय भी करोगे, सिर्फ जिनका एग्ज़ाम्स वगैरह ना उनको फोकस बनाए रखना होगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, तो धन में इतनी दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की, शादी की, प्यार मोहब्बत की। देखो, बैलेंस बनाकर रखना होगा लव लाइफ में, लेकिन लव लाइफ के कार्ड्स अच्छे हैं। देखो, जो लोग भी शादी के लिए देख रहे थे, शादी के लिए मैं नहीं कहूँगी शादी हो जाएगी, बट शादी के लिए कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। और आपकी देखो रिलेशनशिप में हो तो अच्छा बैलेंस रहेगा, आपकी लव लाइफ में एक स्थिरता रहेगी, और अगर नहीं है तो अपनी तरफ से थोड़ा बना भी लेना,
कि चलो भाई ठीक है, मुझे अपनी तरफ से थोड़ा सा काम भी बैलेंस करना है, लव लाइफ भी बैलेंस करनी है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लव को भी देना होगा, थोड़ा सा टाइम काम को भी देना होगा, तब दोनों साथ साथ चलेंगे। ये नहीं कह सकते कि मैं 2 महीना अपने पार्टनर से बात नहीं करूँगा एंड उसके बाद करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। उन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। आगे द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, पावर रहेगी। देखो ईगो क्लैशेज हो सकते हैं, लव लाइफ में ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं भैया, तो ईगो क्लैशेस ना हो, इसके लिए आपके लिए सजेशन आ रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, हार्मनी बनाकर रखना, मॉडरेशन इज सजेस्टेड। नहीं तो लव लाइफ में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स नहीं हैं आपके लिए, इट्स मैनेजेबल, पॉसिबल है, अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। सो अभी के लिए हमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी, दैट इज़ योर हेल्थ। ओके, हेल्थ पे ध्यान देना, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है, हेल्थ का अपने कंसिडरेशन रखना है। रेस्ट, करियर न्यूट्रल है, लव लाइफ भी न्यूट्रल है, ना कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक दिखा है, ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भी दिखा है। जिनकी पढ़ाई एग्ज़ाम है भाई, उसी पे फोकस रखना और कहीं नहीं, और खूब मेहनत करो तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, आपके लिए अब जो गाइडेंस भी आ रही है नो, पहली चीज़ तो यस, पिजन कपल किसिंग, तो दो बर्ड्स हैं वो रोमांस कर रहे हैं, दिस इंडिकेट्स कि नो लव लाइफ में पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी, लव लाइफ में अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं, कि ब्लेसिंग्स आएंगी, पॉजिटिविटी देखने मिलेगी एंड प्रॉब्लम से तो भैया रिकन्सिलेशन हो जाएगा टॉरस आपका इस मंथ में, गुड एनर्जीज। ओके, आगे एक और बड़ा शुभ कार्ड आ गया है, दैट इज़ यू नो द ट्विन फ्लावर्स। ये भी ऐसा कार्ड माना जाता है जिसे हम कहते हैं ना कि हमारा सोलमेट एक कनेक्शन है। एंड ना एक और चीज़ बता दूँ, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रमोशन होने के भी बड़े अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो आपके इधर नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए थे ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड था, तो ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार का प्रमोशन के लिए देख रहे हो, बोनस के लिए देख रहे हो, स्टेबिलिटी भी रहेगी, अच्छे योग बने हुए दिख रहे हैं। एंड जितने भी लोग बेबी कंसीविंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छी एनर्जीज मानी जाएगी। इसके आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सो यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी एक कार्ड आया है जो ना गॉडेस लक्ष्मी को इंडिकेट करता है। ये कार्ड देखो आपको अगेन थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि हो सके ना तो हर्बल टीज पीना, नेचर के जो उपाय होते हैं, आयुर्वेद के जो उपाय होते हैं, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कह रही, जैसे तुलसी का पानी हो गया, इलायची का पानी हो गया, इस तरीके का वाटर इंटेक आप कीजिएगा नेचर से, तो ये क्या करेगा, और आपके घर पे गौमूत्र भी छिड़किएगा इससे, अगर आप कर सकते हो अपने धर्म और अपने रिलीजन के हिसाब से तभी कीजिएगा, नहीं तो हर्बल टीज वगैरह तो सभी कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी निकलते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी बहुत हैं तुलसी का पानी पीने से, इलायची का पानी पीने से, तो ये ना हर्बली कनेक्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो अभी हम सारे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हम ज़्यादा नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सो इन रूपों से कनेक्ट होंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल स्ट्रेस है, जो भी कह लो, सब में आपको ना बहुत ही सूदिंग एनर्जीज लगेंगी। सो ये सारी चीज़ें भी ट्राई कीजिएगा आप, आपके लिए बेनिफिट्स मुझे दिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी हीलिंग की एनर्जीज मेरे को दिखी हैं, हेंस आई एम सजेस्टिंग। सो यस टॉरस, ये वाइब दिख रही है आपके लिए, करियर बढ़िया है, लव रोमांस भी बढ़िया है, सिर्फ हेल्थ में थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कैसी लगी आपको रीडिंग, और रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि मुझे पता चल सके। ओके, थैंक यू सो मच।